तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर कंप्यूटर में। तो आज हम इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो खबर आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप यहां पर इस पेज पर आओगे, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों के खाते में डाले गए 5,850 करोड़ रुपये। सरकार ने बताया आगे का प्लान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 50,850 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। 24 फरवरी को इस स्कीम का एक साल पूरा होने जा रहा है। इसके तहत सीधे बैंक खाते में कुल 87,000 करोड़ रुपए भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली, मोदी सरकार की सुपरहिट स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 50,850 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। 24 फरवरी को इस स्कीम का एक साल पूरा होने जा रहा है। इसके तहत सीधे किसानों के बैंक खाते में कुल 87,000 करोड़ रुपए भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे 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 लाभार्थियों का वेरिफिकेशन होगा वैसे वैसे बची हुई रकम भी भेजी जाएगी। अगर आपने भी इसकी का फ़ायदा लेने के लिए अप्लाई किया है तो अब तक बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो आसानी से इसके बारे में पता कर सकते हैं। साथ ही इसका स्टेटस जानना बहुत आसान हो गया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि पीएम किसान सम्मान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान भाई अपना आधार, मोबाइल या बैंक खाता दर्ज करके करके इसका स्टेटस की जानकारी ले सकता है कि उसे कितना पैसा मिला, नहीं मिला तो क्या दिक्कत है। पीएम किसान योजना ने पूरा किया एक साल। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के बीच अभी तक 50,850 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस योजना के 24 फरवरी को एक साल पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पिछले साल 24 फरवरी को इस योजना का औपचारिक शुरू किया था। इस योजना के तहत पात्र किसानों को एक साल में 3 किस्त में 6,000 रुपये की मदद मिली है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना पोर्टल को 24 फरवरी को एक साल पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि पूरी जानकारी है और आप यहां पर पढ़कर आप भी पूरी जानकारी आप ले सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल सके।